एक घर में माने बेटवा सूता था पतोहिया सूता था आ दमदो आवता था सूता था जमीन का हमने के बड़ी सकेता बा भोटावा के बेरी कहा तरन सा पाहुन पाहुन आ भोटावा के बाद कहा तरन सा भाग दूर बही छिनारा आवा तरा पैसा मांगे बही छिनारू रवस में सुतला ही रहले जाओ ये साथ में निकल जाला तार निकली ना बिल का अंदर बता मुंह से बता मुंह से लगे के नोच देता रुगे आ वो मुंह आती सता चाहे सही सुखला गाड़ दे जो बेको 20 रुपए का कफन है का कसा तो पालाऊ कि ने तो पालाऊ ना गाड़ तो लेबर के मिला था खटे के लेबर के खटे के मिला था सब कुछ के मशीन चला जिस तरीके से हम आप लोगों ने पीछे में देखा जिस तरीके से बामपाली में अभी हम हैं और बामपाली में जिस तरीके से हम गली मोहल्ले से आगे बढ़ रहे हैं तो और भी जो लोग मिले यहाँ पे दिखाइए थोड़ा बढ़िया से दिखाइए सब लोग को और देखिए यहाँ पे ये जो एक टोली है तो यहाँ पे जो कुछ इन लोगों का समस्या है इन लोगों से बात करते हैं और स्कूल जाला लोग हाँ। कौन क्लास में पढ़ा लोग पहला में पढ़ा लो कि ना हाँ। जोर से बोले जोर से का बोली अब नहीं मैं बोला जोर से खजा लिखो का सुनी अब सबे कोई माने केहू के नहीं के भेटत केहू के भेटा था पिंडसिन केहू के भेटा था केहू के राणा मुसुमाते सही बारिश आई बुढ़ पुरनिया बा आई केहू के भेटा था केहू के नहीं के भेटा कत्ता बड़ले बड़ू अब खाए पिए के घर कैसे चल रहा सब खाना पीना कैसे चल रहा कहाँ सोर्स का कमाई में की बताई का कर ले जा कमाना खाना बढ़ू सबे कोई कुछ कमी नहीं कोटा उटा मिल ला की ना हाँ कोटा मिल कितना किलो मिल ला बहनियो सुता ही तो ना तो वही में सुता ही जगह जमीन एक घर में माने बेटवा सुता था पतोहियो सुता था आ दमदो आवता था सुता था जमीन का हमने बड़ी सकेता बा कमाहू का वह हाल बा कमाऊ खाऊ का वह हाल बा अपने मन गिरत कमा कोड़ ले तरुए तो का हमने का पूछा तरुए सब कुछ तब बहारे वहारे तो रहिन चलल बड़ुए लेबर के मिला था खटे के मिला था सब कुछ तब मशीन चला तो कहां से लेबर जब खटे खाएबा हां मतलब कि सब नए नए टेक्निक का मशीन आ गई ओकरा वजह से रावस मजदूर नहीं के मजदूरी नहीं के मिला था हमने के खटे के तो का ची कर जा मर्द कर जाना तो कमा के अरे बाजार से तो खाता नहीं जा ना तो टुक टुक ताकत रहा भादा भादा वार हवा तया प्रेम सबे के जे बारन लोग पति जी उका रवा सबे के मर्दान लोग का करला अरे जा का काम जो के तया कमाता रहन तो घरे आवता रहन लोग तो कहियो लागत कहियो नखे लागत डेली काम नखे मिल पावा हां नखे डेली काम मिला तो अभी अभी का करला लोग आज हमे आ जाई न त माटी काटे जाई न सा हमरी त धान सो के इ हम लोग के त 150 रुपया मिली 150 हां एक दिन के मजदूरी कितना बंकल 150 सोहनिया के धान आके माने 40 रुपया किलो चावल ले है त लइकन के चोर बेचे के दे दी हावा त 1.5 किलो ले है त छुच पत्र बना के खियावा है तो कहता है जब मुनिया का दुख बाका माहू खान का दुख बा आया तो लगता है घर एको पेना एको पीछा एको रखा यार ये बताइए है इतना सारा लड़का बाण लो पढ़े उड़े जालन लो कि ना पढ़े जालन सहन बाड़ी में जालन स्कूल वजह कुछ खाना पीना मिल ला हाँ मिले ला मिले ला खाना वाता मिल बे करे ला तब वो लड़का खाई हंसा कि हमने कहन का दिया हंसा भोटावा का बेरी कहा तरन सा पाहुन पाहुन आ भोटावा का बाद कहा तरन सा भाग दूर बही छिनारा आवा तरा पैसा मांगे बही छिनारू दाना तनी मुखिया जी मर गई ना हमारा घर के भगबू की ना ता आवा तलु हमार भी रुपया छपाता जावा तलु कापन के पैसा मांगे वोट ले बाजी ले हां जब राव सब जतनी काम करती तो का कहत रहलो भगबू की ना तहरे पैसा तहरे हम कापन किने का पैसा दे अब ना मरनी ना हरनी माना कु ना पिनसिनियो ना खाय के समान आई पिनसिनियो मर मर जा तो पिनसिनियो ना खवा मारा हां हां भगबू की ना तहरे पिनसिन बनावे जाय ऐसा हो खत लागत अब घर बनल बकि ना एक का घर में तो कहते बनी है एक घर में बेटवा सुता था पतोहिया सुता था दमदो आता दमदो वही में सुता था हां
अबे जमीन न के तब हो मरई छड़ई सब कोठा पर लगा के अपन कसौ दिन कटत आली जा। अच्छा बरसात में तो दिक्कत होती बड़ा बा, ये घर वो घर एक ही मिली में 4 को 5 को 6 को 7 को 10 को सुता तानी जा। गर्मी हतना गर्मी में पंखा गबा की ना अंदर कहां से पंखा खाएगा तो ठीक है ना, तो पंखा लाइन कहाँ से ला लगाएंगे इतना गर्मी में। सही रह पड़ला अब हाँ अब हाँ सही कर रहा हाँ सही दिन गवावा धरती में रहा सुता सुतला ही रहने जाओ ये साफ निकल जाला निकल ही ना बिल का अंदर बता मुंह से बात मुंह से लगे नोच देता हाथी को बाल बच्चा होकर टुकर पाकनी का काट देता हाथ गोड़ तो जा कथी तो कटल कथी तो मुंह से कटल हो बिलिया में हल तो हो में हल तो मार खा खान कर लेकर रह जाता से यहाँ हमने का कुछ का साधन नहीं के हाँ न रहे का साधन बा न कमाए का साधन बा। अब तो देख लाई मशीन चलल जब धनवा कटा है तो हटियो बना है मटियो कटा हो तब मटियो लदा जा सब कुछ का मशीने बन तो देखिए यही है इन लोग का जो मुसर टोली यहाँ पे ये जगह है यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं तो जिस तरीके से इतना गंदा स्मेल आ रहा है तो उससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से जैसे कि बता रही थी कि एक ही घर है उसी में 7-8 फैमिली लोग एक ही घर में रहते हैं है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से ना इन लोग के पास घर है और बोल रहे हैं कि खाने पीने का अगर जब समस्या है तो घर में कहाँ से पंखा होगा बल्ब होगा तो इन लोगों के पास पता नहीं लाइट वाइट है भी तो घर में पंखा नहीं है बल्ब नहीं है और भी बहुत कुछ मतलब इन्होंने बताया कि अलग अलग जो जीव जंतु मतलब किसी को सांप काट देता है बिच्छू काट देता है ना। और देखिए इस तरीके से इन लोगों के इतने बड़े बच्चों की आबादी है जो कि इस तरीके से ऐसे ही मतलब बहुत कुछ है बताने को लेकिन वो नहीं हो पा रहा है कैसे आपको हम एक्सप्लेन करके बताएं। जो साफ तरीके से आपको जो कुछ परेशानी यहाँ पे है आपको भी दिख रहा होगा है ना। खातन जा जवन हमने कहता ढेर का है वो मुआ दी सता चाहे ऐसा ही सुखला गाड़ दे जो 20 रुपए का कफन है कसा वो तो पलाव किने तो पलाव ना गाड़ सो पता ही बताई रहा सब जैसे बताओ तो नहीं कि सब डावर सब के पति लोग भी मर गिलक तो इतना जल्दी का है कार रीजन होला ये सब चीज किसी मतलब सुन दवाई बाहर कोनो ना देला से 10 5 मांगे गेला दुआर पाए यार पता काम करे खातिर मांगे जाई तो भगवान जी नाम काम नहीं के। सही बताई रहा सब के आसपास हॉस्पिटल में काम हो लगी ना कहां कोनो तो हमने कहते ना के करे तो करिन जा तबियत खराब होला तो कहाँ जाए अपना कसम मान सुई दवाई वही में खा जाए वही चौरा के दांत में आना वही में से बेच के वही में से दवाई आना जा मीमन भाई तो मीमन भाई आना तो मार जा सदर में जा सदर में पैसा ना खुका ले हाँ सदर में तो पैसा ले हूँ हाई आना हाउ आना तो अपने पैसा से तो रहते ना तो मार गए मर गए अल्लाह से अपने आना हाँ वो जगह पैसा ना खा लगा का सदर में वो तो नाम है सदर के सदर का तो नाम है वहाँ बोला बोला उजी से बोला हाथ नीचे बोला हाँ ठीक ठीक। अच्छा ये बताइए रावत सभे के जो पति लोग बा बहुत लोग देखी लगी नशा उसा में बर्बाद हो जाला ये बात बानो है रुका रुका उनको बोले था का बोला हाथ नीचे करा बोला का दिक्कत चलिए अब कितना ही आपको दिखाया आप बस समझ सकते हैं जिस तरीके से दिखा दो उधर सब कुछ। और देखिए इन लोगों का घर का क्या हाल चाल है जिस तरीके से ऐसे ही ईंटा वगैरह रख करके ये लोग यहाँ पे रखते हैं और एक ही रूम में जैसे कि बता रहे थे बहुत लोग इस तरीके से एडजस्ट होकर रहते हैं। तो चलिए इस तरीके से आगे चलते हैं आज चलो चलो आगे बढ़ो।